प्रोजेनी की बात करें एप्टोजेनेसिस में तो वो कितनी है 64। यहां से आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ जीन्स। तो क्या हम निकाल सकते हैं, ये सब कोर्स निकाल सकते हैं। कैसे, हमें जो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ द ऑफस्प्रिंग है उसको हमें किसके इक्वल रखना है, 1 डिवाइड बाय 4 की पावर n। तो n जो होता है बेटा वो ही यहाँ पे क्या निकलता है, हमारा नंबर ऑफ जीन्स। तो होता क्या है कि यहाँ पे हम 4 की कितनी पावर करें कि किसके इक्वल हो जाए, नंबर ऑफ F2 प्रोजेनी, राइट। तो यदि मैं कहूंगी मैंने यहाँ पे n कितना लिया, 2, दैट इज 4 की पावर 2, कितना आएगा 16, इक्वल नहीं है, तो ये तो हमारा क्या हो गया, रॉन्ग। यदि मैं यहाँ पे n कितना लेती हूँ, 3, दैट इज द 4 की पावर 3, कितना हो गया 64। तो यदि हम यहाँ पे n यहाँ पे हम क्या ले, 3, तो हमारे पास क्या आ रही है यहाँ पे, नंबर ऑफ द प्रोजेनी, दैट इज द 64। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ द जीन्स है बेटा वो कितने हो जाते हैं, 3। अब जीन्स हमें पता चल गया, जीन से हम क्या लील निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं, बिकॉज एक जीन का कितना लील होता है, ओनली 2 अलील्स। तो यदि यहाँ पे 3 जीन है तो अलील्स कितने हो जाएंगे बेटा, 6 अलील। एंड अलील से जीनोटाइप निकालना आप लोगों को ऑलरेडी आता है, फॉर्मूला मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट यदि हम सीखें यहाँ पे नंबर ऑफ फिनोटाइप्स निकालना, तो फिनोटाइप निकालने के लिए जो एक फॉर्मूला होता है वो क्या है, 2n प्लस में 1। एन यहाँ पे क्या आता है बेटा, नंबर ऑफ जीन्स। तो यदि हम यहाँ पे फिनोटाइप निकाले इसी क्वेश्चन के अंदर, तो n हमारे पास कितना है, 3 प्लस में 1, दैट इज द 7। तो टोटल नंबर ऑफ द फिनोटाइप्स हमारे पास कितने आ जाएंगे, 7 आ जाएंगे, राइट। ये क्या आता है यहाँ पे, नंबर ऑफ द जीन्स एंड द फिनोटाइप निकालना। यदि मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन, मैंने अब आपको यहाँ पे दे दिया नंबर ऑफ जीन्स दे दी है। यदि हम एक क्वेश्चन की बात करें, मैंने कहा एन है यहाँ पे 4, मीन्स कि नंबर ऑफ द जीन्स मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया। आपको यहाँ पे क्या निकालना है, नंबर ऑफ फिनोटाइप। तो क्या आप निकाल सकते हो, यस आप निकाल सकते हैं, दैट इज द 2n प्लस में 1। सोल्व कीजिए और बताइए क्या आंसर आएगा, 2 × 4 प्लस में 1 कितना हो गया बेटा, 9 आपका क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ द फिनोटाइप, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्लियोट्रोपी इफेक्ट। इफेक्ट की बात करें तो इसमें क्या होता है कि कोई भी एक सिंगल जीन है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक से ज्यादा फिनोटिपिक इफेक्ट को शो कर रहा है। दिस इज द 1 फिनोटाइप इफेक्ट, दिस इज द 2nd फिनोटाइप इफेक्ट। ऐसे जीन को हम क्या बोल देते हैं बेटा, प्लियोट्रोपिक जीन, दिस इज द प्लियोट्रोपिक जीन। एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल कौन सा लिया, गार्डन पी प्लांट का। तो यहाँ पे कोई भी एक जीन था जिसका मेनली यहाँ पे क्या काम था, सीड की सेप के लिए। लेकिन ये जो जीन है बेटा एक और यहाँ पे फिनोटाइप अपना एक्सप्रेस कर रहा है, वो क्या जाता है, स्टार्च ग्रेन्स मोर्फोलॉजी, आल्सो अफेक्ट स्टार्च ग्रेन मोर्फोलॉजी। इसी के अंदर यदि हम सेकंड एग्जांपल की बात करें कि कोई भी एक जीन है जो मेनली क्या कर रहा है, यहाँ पे फ्लोवर कलर को अफेक्ट कर रहा है, राइट। लेकिन यही जीन और क्या कर रहा है, यहाँ पे सील के कलर को भी क्या कर रहा है, अफेक्ट कर रहा है। जबकि मेंडल ने क्या कहा था, ओनली एक सिंगल जीन है वो क्या कर सकता है, एक ही करेक्टर को कंट्रोल कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, एक सिंगल जीन एक से ज्यादा क्या कर रहा है, यहाँ पे करेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, या फिर एक सिंगल जीन एक से ज्यादा क्या कर रहा है, फिनोटिपिक इफेक्ट को एक्सप्रेस कर रहा है। ऐसे जीन को हम क्या बोल